नमस्कार, मैं हूँ काव्या कौशिक और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। देखिए मौसम का बिहार में वैसे ही मार चल रहा है। दिन बारिश, ओलावृष्टि और आंधी तूफान से मौसम विभाग के द्वारा जो है ये अलर्ट जारी किया जा रहा है कि बच के रहें, खासकर किसान जो हैं, किसानों को इसमें ज़्यादा क्षति पहुँच रही है। तो वहीं आपको बता दें कि कल बिहार के कई जिलों में जो है वो भूकंप के झटके महसूस किए गए। बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र जो है नेपाल में बताया जा रहा है। आपको बता दें कि खबर के अनुसार नेपाल की तराई से सटे बिहार के कुछ जिलों में शनिवार को भूकंप के मामूली झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.5 रही। केंद्र बताया जा रहा है कि ये तीव्रता के साथ दिन में जो है ये 11 बजे भूकंप आया था। विशेषज्ञों की माने तो इसका केंद्र काठमांडू से उत्तर पूर्व दिशा 28 किलोमीटर दूर जमीन के 25 किलोमीटर नीचे था। मौसम विभाग केंद्र के निर्देशक ने बताया कि इसकी गहराई कम होने से भूकंप का मामूली असर नेपाल की तराई से सटे कुछ इलाकों में हुआ। बगहा, बेतिया और मोतिहारी में कुछ जगहों पर इसके आंशिक रूप से महसूस किए गए। अधिकतर लोगों को सोशल साइट और अन्य माध्यमों से भूकंप की जानकारी मिली। तीव्रता कम होने से पटना में भी लोग अनजान रहे। तो बता दें कि ये भूकंप के झटके जो है कल 11 बजे दिन के बताए जा रहे हैं, जिसका केंद्र नेपाल का काठमांडू बताया जा रहा है। हालांकि तीव्रता कम होने के वजह से लोगों को बहुत कम महसूस हुआ। हालांकि राजधानी पटना में किसी को महसूस भी नहीं हुआ, लेकिन बेतिया, मोतिहारी और बगहा में कुछ जगहों पर आंशिक रूप से जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए। बता दें कि नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार जिस जगह पर भूकंप का केंद्र था वह मुजफ्फरपुर से 171 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। पटना से इसकी दूरी लगभग 233 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। कम तीव्रता की वजह से लोगों को इसका पता नहीं चला, किसी तरह के नुकसान होने की सूचना नहीं है। तो बता दें कि सबसे बड़ी गरिमत की बात रही कि इस भूकंप से किसी भी जान माल का क्षति नहीं पहुंचा है। वहीं भूकंप की जो तीव्रता है वो काफ़ी कम होने की वजह से इसका असर भी नहीं दिखा और ना ही लोगों ने इसे महसूस किया। बता दें कि पिछले 7-8 साल पहले की अगर बात करें तो बिहार में ऐसे भूकंप आए थे जिसके बाद लोग काफ़ी डर गए थे। तो एक बार फिर से ये नेपाल की तराई से सटे कुछ इलाकों में बगहा, बेतिया और मोतिहारी के कुछ जगहों पर जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसके बाद ये जानकारी सोशल साइट से मिली। तीव्रता नापा गया तो 4.5 रिक्टर पे बताया गया। वहीं इससे जान माल की कोई हानि नहीं हुई है। हालांकि अभी भी बिहार में मौसम जो है करवट ले रहा है। मौसम की बात करें तो मौसम विभाग के द्वारा लगातार ये अलर्ट जारी किया जा रहा है कि बारिश, ओलावृष्टि और आंधी तूफान कभी भी हो सकते हैं। बिहार के कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी है मौसम विभाग के अनुसार। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।